सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर MSI Bravo 15 जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था विद AMD 4000 सीरीज प्रोसेसर, और काफी ज्यादा जो लोग थे उन्होंने इसको खरीदा। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम दोस्तों कहीं ना कहीं उस लैपटॉप के साथ में ये था कि हीटिंग, ठीक है, तो उस लैपटॉप में थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज देखने को मिले। इस बार जो है आप लोगों को उस लैपटॉप का अपडेटेड वर्जन देखने को मिलता है विद राइजन 5000 प्रोसेसर। लेकिन जो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल रहा है वो पिछले साल का ही जो है आपको RX 5500M ही देखने को मिलता है। लेकिन इस बार MSI ने जो है दोस्तों कूलिंग सॉल्यूशंस पे जो है बहुत अच्छा से ध्यान दिया हुआ है। एंटायर जो कूलिंग डिजाइन है मोर रोबस्ट यहाँ पे जो है किया हुआ है। आइए जानते हैं थोड़े जरूरी डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिजाइन से शुरू करते हैं। तो मेरे यहाँ पे सामने आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो डिजाइन है यहाँ पे वो थोड़ा जो है मैं कहूंगा और थोड़ा एकदम टैंक जैसा जो है इसको बनाने की कोशिश की गई है। आप एक बार इस डिजाइन को अच्छा से देखिए फ्रेंड्स। तो ये डिजाइन आप लोगों को जो है ऊपर से जो है काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि इसमें डिजाइन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही बात अगर मैं यहाँ पे अपने पुराने मॉडल की करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ऊपर से जो है प्लेन वर्टिकल लाइनिंग वाली जो है आप लोगों को टेक्सचर देखने को मिल जाती थी। बाकी जो है आप लोगों को पूरी की पूरी चैसिस यहाँ पे सेम देखने को मिलेगी। तो एक्सटर्नल डिफरेंस जो है यहाँ पे इतना निकल कर आता है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे बेसिक डिफरेंसेस की। तो सबसे पहली बात, जो AC अडेप्टर आप लोगों को 180 वॉट का मिलता था, अब वो जो है आप लोगों को यहाँ पे 150 वॉट का देखने को मिल जाएगा। बैटरी साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगलिजिबल अपग्रेड यहाँ पे किया हुआ है। 51 वॉट आवर की आपको पुराने मॉडल में देखने को मिलती थी, अब यहाँ पे 53 वॉट आवर की जो बैटरी है आप लोगों को नए मॉडल में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन सबसे बड़े अपग्रेड की, जो कि मैं कहूंगा कि एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज जो है MSI ने की हुई है, वो यहाँ पे आती है दोस्तों कूलिंग सॉल्यूशंस को लेके। अब कूलिंग सॉल्यूशंस क्या है दोस्तों, रोबस्ट बनाया गया है, तो इसकी जगह क्या हो रहा है, इस लैपटॉप का जो है वेट बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि 10-20 ग्राम जो है यहाँ पे वेट बढ़ गया, सीधा का सीधा 400 ग्राम का जो है दोस्तों वेट यहाँ पे आप लोगों को बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। जो पुराना वाला लैपटॉप था दैट वॉज अराउंड 1.9 kg, और जो नया वाला लैपटॉप है दोस्तों दैट इज समवेयर अराउंड 2.35 kg। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों कि वेट कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। वेट ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो उस लैपटॉप की ओवरऑल थिकनेस है वो जो है 3 mm से बढ़ गई है। तो आप लोगों को जो पुराने वाले लैपटॉप से प्रॉब्लम थी दोस्तों, पुराने वाला MSI 15 जो Bravo 15 था वो आपको हीटिंग इश्यूज देता था, अब वो हीटिंग इश्यूज जो है इस बार MSI ने एड्रेस किए हैं और इसको जो है खत्म करने की कोशिश की है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और कुछ चीजों की। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों यहाँ पे पोर्ट सिचुएशन की। तो पोर्ट सिचुएशन पिछले बार में ऐसी थी दोस्तों, जो HDMI पोर्ट आपको मिलता था दैट जो आउटपुट आपको देता था दैट वाज 4K 30 FPS, लेकिन इस बार जो देगा आपको 4K 60 FPS जो है आप लोगों को दे देगा आराम से। फिर पिछले बार आप लोगों को दो टाइप सी पोर्ट देखने को मिलते थे दोस्तों, लेकिन इस बार जो है आप लोगों को एक ही टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि USB 3.2 Gen 1 पिछली बार था, अब जो है इस बार USB 3.2 Gen 2 आप लोगों को टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों USB A पोर्ट की। पिछली बार आप लोगों को जो है दोस्तों सिर्फ दो USB A पोर्ट देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप लोगों को जो है इस बार जो है 3 USB A पोर्ट देखने को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें से जो दो है 3.2 Gen 1 है पिछले बार की तरह, एक एक्स्ट्रा पोर्ट आप लोगों को USB 2 देखने को मिलता है फॉर कनेक्टिंग ऑल योर वायरलेस एसेसरीज। RX 6600M क्यों नहीं डाला गया, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है अवेलेबिलिटी को लेके और प्राइस को लेके। डेफिनेटली वो जो नया ग्राफिक कार्ड है वो अगर यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसिंग जो है उसकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अच्छी खासी। लेकिन दूसरी जरूरी चीज ये भी आती है दोस्तों उसकी अवेलेबिलिटी को लेके। इनफैक्ट मैं जो है कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा हूँ आउटसाइड इंडिया पे इस ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप को लेके, लेकिन दोस्तों RX 6600M वाले जो लैपटॉप्स हैं उनकी उतनी ज्यादा न्यूज नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों वो वाला जो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़े हायर एंड लैपटॉप्स में जो है पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद जब उस चीज की सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी तो आप लोगों को जो है ये बजट सेगमेंट वाले लैपटॉप्स, टू बी कॉल्ड एज बजट सेगमेंट लैपटॉप्स, उसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रैम पिछले बार की तरह ही आप लोगों को जो है दोस्तों अपग्रेडेबल देखने को मिलती है 64 GB तक। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेम आप लोगों को जो है इस साल भी 8 GB और 16 GB वाली जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वाईफाई की, तो वाईफाई 6 का आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ का अपग्रेडेशन किया हुआ है, ब्लूटूथ 5.1 से जो है ब्लूटूथ 5.2 आप लोगों को देखने को मिलता है। प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडिया में क्या हो सकती है, करेंटली जो आप लोगों को राइजन 4600H वाला जो लैपटॉप देखने को मिलता है दोस्तों वो अराउंड 72,000 रुपीज का है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एंटायरली कूलिंग सॉल्यूशंस जो है अपग्रेड किए हुए हैं अच्छे खासे, तो इसकी प्राइसिंग अराउंड जो है आप लोगों को 78,000 to 80,000 जो है इंडिया में ऑन पेपर देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे राइजन 7 मॉडल्स की, तो इसकी प्राइसिंग अराउंड 93,000 रुपीज तक जो है जा सकता है। क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। बाय द वे दोस्तों आप मेरे इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं, तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर जाएं।